हेलो चैंपियंस, आप सही लोग का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक और नए वीडियो में। और गाइस, इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाला दोस्तों सेकेंड 2020 मैच। दोस्तों पांच मैचों की श्रृंखला में दोस्तों इंडिया अभी दोस्तों फिलहाल 1-0 से आगे। और दोस्तों लास्ट मैच में रिंकू सिंह ने जबरदस्त छक्का लगाया था। और गाइस देखो, इंडिया पहला मैच काफी रोमांचक मुकाबले में मतलब मैच को विन कर गई थी। तो गाइस आइए जानते हैं कि इस मैच में दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या रहेगी। और दोस्तों देखो, पिच रिपोर्ट के बेस पे ये भी हम लोग जानेंगे कि इस मैच में हमारी ड्रीम 11 की टीम क्या रहने वाली है। दोस्तों ये मैच 26 नवंबर आज यानी कि संडे के दिन शाम को 7 बजे दोस्तों ये मैच तिरुवनंतपुरम में दोस्तों खेला जाने वाला है। तो गाइस वीडियो का थोड़ा सा ध्यान से देखना, जब भी आप देखो अपनी खुद की टीम आप बनाकर दोस्तों आप काफी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मेरे भाई जुड़ना मत बोलना दोस्तों। लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा बिल्कुल टॉप पे। तो मेरे भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको फाइनल टीम फाइनल अपडेट आपको सब कुछ बिल्कुल फ्री में मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। फिलहाल दोस्तों वीडियो में गाइस देखो, मैंने मैच को बिल्कुल डिटेल में कवर किया है, उसके अलावा पिच रिपोर्ट, स्पेशल बॉलर के बारे में मैंने कुछ बताया है, टीम का हेड टू हेड रिकॉर्ड, प्लेइंग 11 दोस्तों बिल्कुल डिटेल के साथ, और गाइज वीडियो के एंड में गाइज मैंने आपके साथ टीम भी शेयर किया है। तो गाइज वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। रिक्वेस्ट आपसे सिर्फ एक ही है कि मेरे भाई वीडियो को आप लाइक करना, आपका प्यार सपोर्ट समर्थन मिलता है तो गाइज हमें भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी दोस्तों चलिए फटाफट से दोस्तों मैं मैच को चलता हूँ, आपका मैं ज्यादा टाइम लेने वाला नहीं हूँ दोस्तों। पहले दोस्तों मैं यहाँ पर पिच रिपोर्ट कवर करता हूँ। दोस्तों ये मैच तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा, ग्रीनफील्ड स्टेडियम है। गाइज यहाँ पर ना देखो, एक बार ध्यान रखना गाइज, यहाँ पर ज्यादा मैचेस होते नहीं है। लास्ट मुकाबला यहाँ पर 2022 में इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया था। दोस्तों पिच की बात करूं तो गाइस देखो, एक बहुत ही स्लो बैटिंग सरफेस विकेट है और यहां पर फास्टर बॉलर के लिए दोस्तों ये विकेट काफी ज्यादा अनुकूल है। लास्ट अगर यहां पर 3 ODI मैच की मैं बात करूं तो फास्टर को 19 विकेट मिला है और स्पिनर को यहां पर 9 विकेट मिला। तो दोस्तों कहीं ना कहीं स्पिनर के मुकाबले फास्टर यहां पर आपके लिए ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट चॉइस रहने वाला है। एवरेज स्कोर की बात करूं तो गाइस यहां पर आपको 150 के आसपास यहां पर आप स्कोर बनते हुए देख सकते हो। यहां पर देखो ज्यादा हाई स्कोरिंग मतलब मैचेस नहीं होते हैं। ठीक है, वही दोस्तों टोटल हिस्ट्री की बात करूं तो दोस्तों इस पिच पर टोटल 3 मैचेस खेले गए इस वेन्यू पर, जिसमें दोस्तों एक बार बैटिंग फर्स्ट और 2 बार यहां पर रन को चेस करते हुए टीमों ने मैच को विन किया। देखो एक बार ध्यान रखना दोस्तों, देखो यहां पर ड्यू आएगी, ड्यू फैक्टर रहेगा और देखो जो भी टीम टॉस को विन करेगी वो देखो यहाँ पर मतलब रन को चेज ही करने वाली है। ठीक है, बाकी गाइज यहाँ पर जो लास्ट 2 मैचेस खेले गए हैं दोस्तों, ये दोनों मैचेस ना बहुत पहले गए। एक तो गाइज 2022 का मैच है, लगभग 2 साल पहले आप मान के चल सकते हो दोस्तों। एक मैच 2019 का है, आज से लगभग 4 से 5 साल पहले का मैच है। तो गाइज देखो, इन पे मैं ज़्यादा फोकस करने वाला नहीं हूँ, बट एक बार ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर रन ज़्यादा नहीं बनते और देखो बॉलर यहाँ पर विकेट निकालते ही हैं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों जो यहाँ पर लास्ट 3 मैचेज खेले गए, यहाँ पर आप देखो फास्टर द्वारा लिया गया विकेट और स्पिनर द्वारा लिया गया विकेट आप यहां पर देखो देख सकते हो। लेफ्ट साइड में फास्टर है और राइट साइड में आपको यहां पर दोस्तों स्पिनर मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइस यहां पर बॉलिंग पिच रहेगी। ठीक है, उसके अलावा गाइस यहां पर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूं तो गाइस इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच दोस्तों खेले गए 27 मैचेस में दोस्तों 16 मैच गाइस इंडिया विन किया है, जिसमें दोस्तों केवल 10 बार ऑस्ट्रेलिया विन कर पाई है। तो अगर हेड टू हेड का रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो गाइस उसमें देखो इंडिया का पलड़ा थोड़ा सा आपको ज्यादा भारी दिखेगा। वही दोस्तों लास्ट 5-5 मैच दोनों टीमों का आप यहां पर रिकॉर्ड चेक कर सकते हो दोस्तों। अपने खेले गए लास्ट 5 मैच में इंडिया 5 की 5 मैच जीतते हुए हारी है। वही दोस्तों लास्ट मैच ऑस्ट्रेलिया केवल हारी है, वो भी इंडिया से, वो भी गाइस देखो बिल्कुल मैच रोमांचक हो गया था। ठीक है, तो गाइस देखो हेड टू हेड रिकॉर्ड और रिसेंट फॉर्म को देखते हुए आप देखो दोनों ही टीमों में से यार देखो ये ऐसा नहीं है कि आप केवल एक ही टीम को प्रेफर करोगे, मतलब आप देखो दोनों टीमों को आप यहां पर आपको दोनों टीमों को प्रेफर करना होगा। ठीक है, वहीं दोस्तों यहां पर प्लेइंग 11 की बात करूं तो गाइस मुझे नहीं लगता कि यहां पर इंडियन टीम के प्लेइंग 11 में कुछ भी चेंजेस होने वाला दोस्तों। देखो फिलहाल के लिए आपको जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़, जो कि पिछले मैच में देखो बैड लक थोड़ा सा रन आउट हो गया था डायमंड डक पे, दोनों ही आपको ओपनिंग करता हुआ दिखेगा। नंबर 3 पर ईशान किशन और नंबर 4 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिनके बीच दोस्तों पहले मैच में काफी बढ़िया पार्टनरशिप हुई थी। उसके अलावा तिलक वर्मा पहले मैच में थोड़ा सा शांत रहा था, रिंकू सिंह दोस्तों एज अ फिनिशर और गाइस जी देखो केवल आपको बैटिंग से ही पॉइंट करके देगा। उसके अलावा दोस्तों ऑलराउंडर यहां पर अक्षर पटेल हो गया, जो कि देखो बैटिंग यार इनकी ज्यादा ठीक ठाक जा नहीं रही है, बट केवल आपको ये बॉलिंग से ही पॉइंट करके दे सकता है। उसके अलावा गाइस बिश्नोई हो गया लेग स्पिनर बॉलर और इंडियन टीम के 3 मेन फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा जो कि आपको पावर प्ले में बॉलिंग पे दिखेंगे अटैक पर दिखेंगे, और मुकेश कुमार जो कि गाइस आपको डेथ के ओवर में अटैक पर दिखने वाला है। तो गाइस ये तो हो गई इंडियन टीम की दोस्तों प्लेइंग 11। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखो कुछ प्लेयर हैं जो कि बेंच पर आपको दिखेंगे, जिसमें दोस्तों नाम यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर का और शिवम दुबे का, ऐसा लग रहा है कि इस मैच में उन्हें मौका दिया जा सकता है। बाकी यार देखो मुझे नहीं लगता कि मौका दिया जाएगा दोस्तों, इस बार टीम अपनी सेम प्लेइंग 11 के साथ आएगी। ठीक है, मैं दोस्तों इंडियन टीम की बॉलिंग के रोल की बात करूँ तो गाइस अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा ही है जो कि मेन आपको स्टार्टिंग और यानी कि पावर प्ले शुरुआती 6 ओवर में आपको अटैक पर दिखेंगे, और डेथ ओवर में आपको मुकेश कुमार, प्रसिद्ध कृष्णा आपको
ये दोनों बॉलर आपको दोस्तों अटैक पर दिख गया। तो गाइस ये तो हो गया इंडियन टीम का बॉलिंग का रोल। बाकी यहाँ पर आप दोस्तों प्लेयर बैटल भी आप देखो चेक कर सकते हो दोस्तों, इंडियन टीम के बैट्समैन को सामने वाली यानी कि ऑस्ट्रेलियन टीम के बॉलर ने कितने मरतबा आउट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लो दोस्तों, जायसवाल को मैथ्यू शॉट ने एक बार, ईशान किशन को दोस्तों तनवीर सांगा ने एक बार, सूर्य कुमार यादव को जेसन बैंड्रोफ ने एक बार और तिलक वर्मा को तनवीर सांगा ने एक बार। दोस्तों ये केवल पिछला मैच के रिकॉर्ड के बेस पर मैंने यहाँ पर प्लेयर बैटल रेडी किया है। वहीं दोस्तों यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन टीम की बात करूँ तो देखो ऑस्ट्रेलियन टीम के साइड से भी मुझे नहीं लगता कि कुछ भी चेंजेस होगा दोस्तों। इनकी टीम के ओपनर स्टीव स्मिथ और मैथ्यू शॉट ही है जो कि आपको ओपनिंग करके देगा। दोस्तों मैथ्यू शॉट एक ऑलराउंडर भी है, राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स ये बॉलिंग भी करता है। उसके अलावा नंबर 3 पर जॉस इंग्लिश जो कि देखो अमूमन तो एक विकेट कीपर है, लास्ट मैच में इन्होंने सेंचुरी भी लगाया था और देखो काफी है अटैकिंग बैटिंग करता है। उसके अलावा गाइस मार्कस स्टोनिक्स एक बढ़िया ऑलराउंडर, राइट हैंड बैटिंग करता है, राइट आर्म मीडियम बॉलर भी है। टीम डेविड गाइस एक फिनिशर है और मैथ्यू वेट जो कि टीम के कैप्टन है फिलहाल ये विकेट कीपिंग भी आपको करके देगा और देखो यार इनकी बैटिंग देखो इस मैच में शायद आ जाएगी। उसके अलावा गाइस यहां पर अरुण हार्डी और शैन एबर दोस्तों दोनों यहाँ गाइस टीम के ऑलराउंडर है। बट गाइस देखो अरुण हार्डी का पिछले मैच में बैटिंग भी नहीं आया था और देखो इन्हें बॉलिंग में एक ओवर भी इन्हें इनसे टेस्ट नहीं करवाया गया था। शैन एबर दोस्तों एक बढ़िया बॉलर है। नाथन हिल्स दोस्तों इनके दोस्तों फिलहाल के गाइस बॉलिंग लाइनअप का दोस्तों सबसे मेन बॉलर वो गाइस नाथन हिल्स ही है और यहाँ पर तनवीर सांगा लेग स्पिन बॉलर और जेसन बैंड्रोफ जो कि आपको मोस्टली पावर प्ले में बैंड्रोफ और नाथन हिल्स ही आपको अटैकिंग पहले 6 ओवर में आपको दिखेंगे यही दो बॉलर। ठीक है, वही दोस्तों यहाँ पर बेंच प्लेयर की बात करूँ तो गाइस ये कुछ प्लेयर हैं जो कि आपको बेंच पर देखेंगे। इसमें दोस्तों बड़ा नाम यहाँ पर दोस्तों ट्रेविस हेड का है, ग्लेन मैक्सवेल का है, जांपा का है और देखो रिचर्डसन भी यहाँ पर आपको बड़े नाम के तौर पे देखेंगे। यानी कि दोस्तों बड़े प्लेयर को यहाँ पर बेंच पर अभी फिलहाल के लिए बिठाया गया है। बाकी दोस्तों यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन टीम की ओर से आपको स्टार्टिंग ओवर देखो जेसन बैंड्रोफ और शेन एबर्ट आपको डालता हुआ दिखेगा। देखो नाथन हिल्स भी देखो करवाया जा सकता है। ठीक है, बाकी दोस्तों बीच के ओवर में आपको मार्कस स्टोइनिस हो गया, मैथ्यू शॉट हो गए, तनवीर सांगा हो गया। दोस्तों ये जो बॉलर है ना दोस्तों जो पार्ट टाइमर बॉलिंग करते हैं दोस्तों ये आपको बीच के ओवर में ही अटैक पर दिखेगा। वही दोस्तों डेथ ओवर की बात करूँ दोस्तों डेथ ओवर में मेन ओवर दोस्तों नाथन हिल्स का और शेन एबर्ट का रहेगा। दोस्तों शेन एबर्ट और नाथन हिल्स दोस्तों इस मैच में भी आपके लिए काफी बढ़िया चॉइस रहने वाले हैं ऑस्ट्रेलियन टीम की ओर से। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर प्लेयर बैटल भी देख सकते हो गाइज ऑस्ट्रेलियन टीम के बैट्समैन को सामने वाली टीम यानी कि इंडियन टीम के बॉलर ने कितने मरतबा आउट किया है। दोस्तों मैथ्यू शॉट को बिश्नोई ने एक बार और जॉस इंग्लिश को दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा ने एक बार और अक्षय पटेल ने दो मरतबा आउट कर रखा है। तो गाइज जॉस इंग्लिश का यहाँ पर सीधा बैटल दोस्तों इस मैच में अक्षर पटेल के साथ हो सकता है। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पर मैं फाइनल टीम की बात करूँ बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो हुआ है तो मेरे भाई SL Champ चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको फाइनल टीम और फाइनल अपडेट है ना बिल्कुल मैं फ्री में आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है दोस्तों, बाकी यार फिलहाल के लिए दोस्तों ये मेरी टीम है जिस टीम के साथ मैं देखो अभी से ही मैं कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने वाला हूँ। कप्तान अभी के लिए मेरा सूर्य कुमार यादव और VC दोस्तों मैंने जॉस इंग्लिश को मैंने बनाया। बाकी एक बार ध्यान रखना दोस्तों ये पिच काफ़ी स्लो है तो क्या देखो बॉलर पर अब थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट डालना। ठीक है, बॉलर दोस्तों इस मैच में आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड ऑप्शन हो सकता है। बाकी अगर आपको अक्षर पटेल को ट्राई करना है तो आप यहां पर जॉस इंग्लिश को ड्रॉप करो और आप दोस्तों आप यहां पर अक्षर पटेल के साथ अब देखो जा सकते हो। बाकी यार फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो मेरे भाई जुड़ना मत भूलना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। तो गाइस फटाफट से जाओ नीचे लिंक पे क्लिक करो और हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो। बाकी दोस्तों आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा तो गाइस वीडियो को आप लाइक आप करना, प्यारे दोस्तों आपका सपोर्ट समर्थन मिलता तो गाइस बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी मिलते हैं तो गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए आपसे भाई को यार हमारी ओर से बेस्ट ऑफ लक।